Okay, now we are starting with lecture 5 of mole concept, and this is also a part of solution chapter that will be discussed in class 12th. So listen to it very carefully, and this is most important chapter and will be used in all numerical chapters of physical chemistry. Clear? So before starting that concept, let me give you one more question of mole concept. Say if we have if we want to find mass of each atom, just this is just for revision, mass of each atom in say 0.5 mole of potassium ferrocyanide, 0.5 mole of potassium ferrocyanide में हमें हर एक एटम का मास निकालना, सपोज 0.5 मोल के अंदर, 0.5 मोल के अंदर. तो पहले चेक कर लेंगे कि इसके एक मोल में क्या है, एक मोल में चार पोटेशियम है, एक मोल में इसके चार पोटेशियम है, तो 0.5 मोल में कितने होंगे, 0.5 मोल ऑफ कंपाउंड विल है 2 मोल पोटेशियम, 0.5 मोल विल है 0.5 मोल आयरन, 0.5 मोल विल है 6 कार्बन है, तो 6 में से आधा आधा मोल होगा तो कितने होंगे 3, 3 मोल कार्बन, 6 मोल नाइट्रोजन है, तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे 3 मोल, 3 मोल नाइट्रोजन. तो वेट निकालना है, तो 2 मोल पोटेशियम, 2 मोल पोटेशियम यानी 39 into 2 78 ग्राम, 2 into 39 हो जाएगा, 0.5 मोल आयरन मींस 0.5 into आयरन का 56 होता है तो 28 ग्राम, 3 मोल कार्बन है तो 3 मोल 3 into 12 36 ग्राम, सिमिलरली 3 मोल नाइट्रोजन है 3 into 14 42 ग्राम. लाइक दिस वी कैन इजीली फाइंड वेट ऑफ ईच सब्सटेंस इन 0.5 मोल ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड के अंदर निकाल सकते हैं वेट इसका. तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इसके बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन. अब हमारा जो नया टॉपिक आज हमें करना है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये सब हमें स्टडी करना है. तो इसमें वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीके, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन. तो इसमें फॉर्मुलेस हैं, फॉर्मुलेस 5-5 टाइम्स लिखकर याद करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस है. सेम मोलैरिटी, पहला फॉर्मूला मोलैरिटी, इसके नाम से पता लग रहा है मोलैरिटी. अच्छा एक चीज़ और, पहले इसको स्टडी करने से पहले एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है. सॉल्यूट जिसको हम डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, सब्सटेंस जिसके अंदर डिजॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट है, सब्सटेंस इन विच इट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड ए सॉल्वेंट, एंड टोटल मेक्स द सोल्यूशन, टोटल मेक्स द सोल्यूशन. सपोज मैंने से 4 ग्राम NaOH डिजोल्व किया 100 ग्राम वाटर के अंदर, से इफ यू हैव डिजोल्व 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो 4 ग्राम NaOH जो है सोल्यूट होगा, 100 ग्राम वाटर है सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 100 ग्राम, जनरली ये ज़्यादा होगा 100 ग्राम ये हो जाएगा वाटर सॉल्वेंट, और टोटल क्या बन जाएगा 104 ग्राम, ये सोल्यूशन. दिस टोटल मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये पता होना चाहिए. मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो यहाँ से स्टडी करेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए. अब स्टडी करेंगे मोलरिटी, मोलरिटी क्लियर, मोलरिटी क्या चीज़ है सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में मोलरिटी, मोलरिटी क्या, जो हमने सॉल्यूट डिजॉल्व किया उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूरा लिखना है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी मीन्स ऐसे रखना मोलर, मोलर यानी मोल्स पर लीटर, मोल्स किसके सॉल्यूट के, लीटर किसका सॉल्यूशन का, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरा लिखना है ताकि याद रहे, इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000. मतलब तुम्हें सिंपल सा है कि तुम्हें कोई भी चीज़ दे रखी है, तुम अगर एक लीटर सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूट दे रखा है, कितना भी वेट दे रखा है उसका, उसका तुम एक लीटर सॉल्यूट जब क्या निकालोगे सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या होगी मोलरिटी. एक लीटर लीटर सॉल्यूशन में, एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट है, और नंबर नंबर कैसे निकालते हैं वो मैंने बता रखा है. जैसे 4 ग्राम NaOH है, 4 ग्राम NaOH है, तो नंबर मोल्स क्या होंगे, नंबर मोल्स ऑफ NaOH क्या होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है 4, मोलर मास कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1 40, तो ये 0.1 मोल आ जाएगा, 0.1 मोल क्लियर. तो मोल्स ऐसे निकालना है,
गिवन मास बाय मोलर मास, और बाकी मैंने तरीके बताए हुए, गिवन मास बाय मोलर मास तो निकल ही गया, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 इन केस ऑफ गैस, गिवन मॉलिक्यूल्स बाय एन नॉट एवोगैड्रोस नंबर इन केस इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गिवन। तो इस तरह से मोल्स निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है इन सेंटीमीटर की होना चाहिए, और इन 2000 ये बता दिया मैंने स्मॉल एन, ये कैसे निकालते हैं, एन कैसे निकलेगा 4/40, कैसे याद रखना है इसको मोलर को, मोल्स पर लीटर, मोल्स किसके सोल्यूट के, लीटर किसका सोल्यूशन का। तो ये पहला फॉर्मूला है मोलरिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट फॉर्मूला नॉर्मेलिटी, स्कूल में कम लेते हैं इसको लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेलिटी कैपिटल आंसर नोट करते हैं, नॉर्मेलिटी तो इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको डिटेल में लेना पड़ेगा अभी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम, मैं पूरा क्लियर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, बाकी रेस्ट इज सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू ऊपर आएगा 1000, क्लियर। तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000, यानी ऊपर क्या था मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, तो नीचे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। फॉर्मूला सिर्फ लिख देंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, वो डिटेल इसकी लेंगे बाद में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका, क्लियर। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब इक्विवेलेंट मास की डिटेल हम पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है। तो नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन था, ये ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे। अच्छा एक चीज और नोट करेंगे, मोलैरिटी जो है ना इट इज ऑल्सो इक्वल टू फॉर्मेलिटी इन केस ऑफ आयनी कंपाउंड्स, फॉर्मेलिटी के इक्वल होगा ये, एफ सी नोट करते हैं, फॉर्मेलिटी के इक्वल होगा इन केस ऑफ आयनी कंपाउंड्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस आते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास आता है क्योंकि आयनी कंपाउंड के केस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जो आयनी कंपाउंड जैसे NaCl है, NaCl में हम NaCl के यूनिट्स को अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक पूरा क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है। NaCl Na+6Cl- से सराउंडेड होगा, और छः जो Cl- वो भी Na+ से सराउंडेड होंगे, तो इसलिए हम उस केस में ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम अप्लाई होगा, बट इसमें फॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ करते हैं। उसमें जो NaCl के जो पार्टिकल्स हैं वो NaCl अलग से नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि Na+6Cl- से सराउंडेड है और Cl- 6Na+ से सराउंडेड है, तो पूरा क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मेलिटी लिख देते हैं इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सब कुछ सेम अप्लाई होगा, फॉर्मूला सब कुछ सेम है। अब हम निकालेंगे यहाँ से रिलेशन नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी, क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी में डिफरेंस बहुत सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैंसिल, 1000 कैंसिल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट अगर मैं निकालता हूँ नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही डिफरेंस आना। तो अब इसको क्या लिखते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू गिवन मास बाय मोलर मास, ये आ गया। तो एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा। अब मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं, एन फैक्टर या वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर और वैलेंस फैक्टर। यहां से नॉर्मेलिटी आ गया डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, या इक्विवेलेंट मास क्या होगा, एंड इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूले क्लियर हो गए यहाँ पे, ये फॉर्मूले जरूर करने ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होंगे ये फॉर्मूले से। नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या है वो हमें देखना है थोड़ा सा, एन फैक्टर एन फैक्टर
एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे हमने लिया एग्जांपल H2SO4 का, H2SO4 स्ट्रक्चर पता होना चाहिए इसका, H2SO4 एस ओ एच ओ एच स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादातर ऑक्सो एसिड्स के केस में बहुत सिंपल होता है। ऑक्सो एसिड वो जिसके अंदर कम से कम एलिमेंट के साथ एक OH ग्रुप हो और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और एक डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो H2SO4 अगर है तो जितने भी H हैं, H कितने हैं, सेंटर एटम तो बड़ा वाला होता है हमेशा, सेंटर बड़ा वाला बना दिया। ये नहीं समझ आया तो बहुत डिटेल में है 12th क्लास में, तो अभी जितना समझ आ रहा है उतना करना है इसको। S के साथ जितने H हैं, H कितने हैं, दो, तो दो OH बना देंगे, एक्सेप्शन तो है इसके अंदर, S के साथ दो OH आ गए, अब जो बचे हुए O हैं वो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ऐसे वो डबल बॉन्ड हो, तो उसका एनफैक्टर कितना हो गया, एनफैक्टर इट्स एनफैक्टर विल बी 2, एक O के साथ H, O के साथ H, एनफैक्टर कितना इसका 2। नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो एनफैक्टर कितना हो गया 2, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन इज 2, सो एनफैक्टर विल बी 2। अगर एक ही H हटता है तो एनफैक्टर 1, दोनों H हटते हैं तो एनफैक्टर 2, तो इट्स एनफैक्टर कैन बी 1 एज वेल एज 2, समझिए कि नहीं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं H2SO4 प्लस NaOH, ये बनाया मैंने NHSO4 प्लस H2O, तो इधर अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो इसके कितने H हटे, H2 था, एक H रहा, H हट के Na आ गया, तो एक H हटा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा इधर वो होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी 98 डिवाइड बाय 1, क्योंकि एक H हटा है। और अगर मैं इक्वेशन, ये 98 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, अगर मैं लिखता हूँ इक्विवेलेंट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, जो पीछे लिखा मैंने फॉर्मूला भी। और अगर मैं ये लिख दूँ इक्वेशन, H2SO4 प्लस NaOH गिव्स Na2SO4, अब कितने सेट गए, H2 था, Na2 आ गया, दोनों सेट गए, तो अब इक्विवेलेंट वेट जो होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट 98 है, एन फैक्टर कितना हो गया 2, तो 49 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे एन फैक्टर, लाइक दिस एन फैक्टर इज कैलकुलेटेड, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम जो है वो, यानी एसिड है तो उसके इसमें क्या इसकी बेसिसिटी है, क्या इसकी बेसिसिटी है, वो एन फैक्टर है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूं H3PO4 की, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, तो ये इसमें कितने H है, 3, तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा इसका, 3 OH डबल बॉन्ड हो, बच गया ना, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम है इसका, फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, इसका इन्फेक्टर कितना होगा मैक्सिमम 3, एक एच हटा तो 1, दो एच हटे तो 2, 3 OH गए तो 3, तो इट्स इन्फेक्टर कैन बी 1 एज वेल एज 2 एज वेल एज 3, बाई डिफॉल्ट हम लोग क्या ले लेते हैं 3, इट्स दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, क्या है फॉस्फोरिक एसिड, तो ये हमें पता हो चाहिए इसका इन्फेक्टर 3 है। ये 3 सीरीज बनाएगा सॉल्ट्स की, कैसे कैसे, जैसे एक बनाया NaH2PO4, अगर इससे ये बनता है तो इन्फेक्टर 1, Na2HPO4, अगर NaOH डालने पर ये बनता है तो इन्फेक्टर 2, Na3PO4 तो इन्फेक्टर 3, इससे ये बना NaOH डालने पर तो इन्फेक्टर 1, इसका 98 बाय 1 आंसर आएगा, इसका भी मास 98 होता है। अगर NaOH डालने पर इससे ये बनता है, दो एच हट गए तो इन्फेक्टर 2 आएगा, ये बनता है तो इन्फेक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो इधर इन्फेक्टर 1 है, एन फैक्टर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकल जाएगा 98 बाय 1 पहली केस में, 98 बाय 2 दूसरे केस में, 98 बाय 3 तीसरे केस में, तो इस तरह से एन फैक्टर निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये हमें पता होना चाहिए एन फैक्टर निकालने का तरीका, कैसे निकालते हैं एन फैक्टर, तो इससे नॉर्मलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर, जैसे कोई भी एग्जांपल और भी ले सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, एक्सेप्शन नोट करेंगे, जैसे H3PO2 ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड H3PO, इसको फॉस्फीनिक एसिड भी कहते हैं, एक बार नीट में पूछा हुआ है फॉस्फीनिक एसिड क्या होता है, तो इसे पता होना चाहिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड। अब इसमें स्ट्रक्चर जो बनेगा H3 है तो 3 OH आने चाहिए, लेकिन 3 O है ही नहीं, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर ये थोड़ा चेंज है, POH OH OH एक आएगा इसमें H डबल बॉन्ड, दिस इज फॉस्फीनिक एसिड, तो इसमें एक ही अनएजेबल हाइड्रोजन है तो इन्फेक्टर 1 होगा इसका, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका इन्फेक्टर कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर मैं लूँ H3PO3, तो H3PO3 है तो इसका इन्फेक्टर देखने को तो लग रहा है 3, तो लेकिन डबल बॉन्ड वो आ नहीं पाएगा इसमें,
तो हम ज़्यादातर चेक करते हैं तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। इसमें पी के साथ तीन ओएच तो आएंगे नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर इसका, उसके रीज़न भी हैं जो इनऑर्गेनिक में समझ आएंगे, रेजोनेंस वगैरह हैं तो वो बाद में समझ आएगा, अभी ध्यान देंगे इसको। पी के साथ कितने ओएच आएंगे, दो ही आते हैं इस केस में और एक डबल बॉन्ड ओ। तो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। दिस इज फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड और फॉस्फोनिक, और इनफेक्टर कितना इसका, वन और टू, एक अच्छा था तो वन, दूसरा जो बेटा तो टू, तो इस तरह से इसका इनफेक्टर आ जाएगा। तो ये एक्सेप्शन केस में है पहला, ये दूसरा, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स इसके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए अनफेक्टर के बारे में क्या चीज़ है क्या नहीं है, और इसी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल मास निकाल सकते हैं इससे, या नॉर्मलिटी से मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और है, H3BO3, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। अब इसमें भी तीन ओएच होने चाहिए, तीन ओएच हैं इसमें, हैं भी इसके अंदर, लेकिन इसमें भी अनफेक्टर थ्री नहीं है। रीज़न, क्योंकि बोरोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दूसरा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है, तो H2 डालेंगे इसके अंदर हम, तो इससे आंसर आता है हमारा BOH होल 4 नेगेटिव, यानी पानी से ये एक OH को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसे इन्फेक्टर 1 है। इसका भी इन्फेक्टर कितना, 1, पानी से एक OH एक्सेप्ट कर रहा है। हम क्या कर रहे थे, एसिड जो लूज करे H+, ये या OH चाइंस एक्सेप्ट करे, तो ये एक OH चाइंस को एक्सेप्ट कर रहा है और तब ये एक H+ लूज करेगा, सो इट्स इन्फेक्टर इज 1। ये ध्यान रखना, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का भी इन्फेक्टर 1 है। तो ये तीन एक्सेप्शन केसेस ले लिए, इस तरह से इन्फेक्टर निकालेंगे, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट देखेंगे अगर इसमें, तो जैसे अगर सॉल्ट आ जाता कोई, से सॉल्ट लिया मैंने Na3PO4 ले लिया, अब इसका इन्फेक्टर क्या होगा, तो टोटल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का या टोटल मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का वो बताएगा इन्फेक्टर। तो इसमें बनेगा 3Na+ प्लस PO4 3 नेगेटिव, 3Na+ प्लस PO4 3 नेगेटिव, तो ये टोटल पॉजिटिव कितना है, 3 × 1 = 3, टोटल नेगेटिव कितना है, 3, तो इन्फेक्टर कितना होगा इसका, 3, इट्स इन्फेक्टर विल बी 3, इन्फेक्टर विल बी इक्वल टू 3। मान लिया मैंने अगर ये 0.6 मोलर दे रखा है, तो ये कितना नॉर्मल होगा, 0.6 मोलर दे रखा है, कितना नॉर्मल होगा, ये 0.6 मोलर है, तो नॉर्मलिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन्फेक्टर, तो कितना हो जाएगा, मोलरिटी कितनी है इसकी, 0.6, एन्फेक्टर कितना इसका, 3, तो कितना आ जाएगा ये, 0.6 मोलर है तो 1.8 नॉर्मल होगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बाय थ्री, यानी ये कितना आ जाएगा, 23 है ना, 23 × 3 69 और ये 31 प्लस 95, तो 69 95, तो ये आ जाएगा 69 95, 164 के आसपास, 164 डिवाइड बाय 3, तो ये ऊपर चेक कर लेंगे मास वगैरह, 164/3 आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट, क्लियर होगी बात की नहीं है। तो इस तरह से इन्फेक्टर निकालना है इसका। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, जैसे मान लीजिए, अगर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 फॉर्मुला मेकिंग में मैंने सिखाया, वो फॉर्मुला कैसे बनाते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस, तो ये टूटेगा 2Al3+ 2Al है और 3SO4 2 नेगेटिव, तो इन्फेक्टर कितना हो गया इसका, 2 × + 3 + 6, 3 × −2 − 6, यानी इन्फेक्टर 6 है इसका, इन्फेक्टर क्या है इसका, 6, क्लियर, इट्स इन्फेक्टर इज 6, इसका इन्फेक्टर 6 है, इन्फेक्टर अगर इसका 6 है, तो अगर मान लिया मेरे को दे रखा 1.2 नॉर्मल, 1.2 नॉर्मल कितना मोलर होगा, तो नॉर्मलिटी इज़ टू मोलरिटी इनटू एन्फेक्टर, नॉर्मलिटी कितनी है इसकी, 1.2, मोलरिटी हमें निकालनी है, एन्फेक्टर कितना है 6, तो कितना आ जाएगा, 0.2 मोलर आ जाएगा ये, और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी 27 × 2 = 54, और ये 96 होता है, 96 × 3 288 + 54 342 डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरह से निकालना है, एन फैक्टर का यूज़ करके नॉर्मलिटी को मोलरिटी में या मोलरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ये आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है, ऐसी है ना, इनके आयंस की भी नॉर्मलिटी मोलरिटी निकाल सकते हैं, वो खुद ट्राई करेंगे। तो नॉर्मलिटी मोलरिटी और एक एन फैक्टर यहाँ बता दिया हमने, नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है,
एन फैक्टर क्या है उसके थ्रू हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, दोनों में रिलेशन बता दिए हमने। तो यहाँ पे नेक्स्ट समझा आ जाएगा। अब एक एक तो एक चीज़ और ध्यान रखना है आपके नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में, नॉर्मलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इनटू 1000। ये है। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालना चाहूँ, ध्यान देना इधर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इसका एक फॉर्मूला तो ये हो गया क्या, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000, एक फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे ध्यान देंगे गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास दिखाइए, इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ से अगर मैं मिली इक्विवेलेंट निकालना चाहूँ, मिली इक्विवेलेंट ये क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम को मिली में मिलीग्राम में करना, तो क्या करेंगे इन 2000। तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या होंगे ये मैं आगे बहुत यूज करूंगा इसलिए पता होना चाहिए, नॉर्मेलिटी टू वॉल्यूम होगा, और दूसरा मास बाय इक्विवेलेंट मास था, मास बाय इक्विवेलेंट मास इन 2000। दोनों का हमने क्या किया, इन 2000 इसमें भी कर दिया, इन 2000 इसमें भी कर दिया, तो ये आ गया। अब एक चीज और ध्यान देंगे, मिली इक्विवेलेंट्स है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ध्यान देंगे इधर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये नॉर्मेलिटी को क्या लिखता हूँ मैं, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो बन गया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, ये बन जाएगा। नॉर्मेलिटी को क्या लिखा मैंने, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ये बन जाएगा। और इसको मैं क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, इक्विवेलेंट मास को क्या लिखेंगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास को क्या लिखेंगे, मोलर मास ऊपर एन फैक्टर, तो मास बाय मोलर मास क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे मैं बहुत यूज करूंगा इसको। ये एक ही फॉर्मूला है उसको चार में कन्वर्ट कर दिया है, नॉर्मेलिटी की बना है तो मिलीग्राम निकालने के लिए मैं ये यूज करूंगा, मास की बना है तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मैं ये यूज करूंगा, और अगर मोलैरिटी की बना है तो मैं ये यूज करूंगा फॉर्मूला, नंबर मोल की बना है तो मैं ये यूज करूंगा फॉर्मूला। एक बार अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं इस चीज को, मिलीग्राम के फॉर्मूले क्लियर हो गए, मिलीग्राम में कैसे निकालें इसी को देखकर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये 1000 नीचे आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वैसे क्या होते हैं, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, दो फॉर्मूले लिखे, नॉर्मेलिटी को नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 करेंगे तो मिलीक्विवेलेंट बन जाएगा, मास बाय इक्विवेलेंट मास था इनटू 1000 करेंगे तो मिलीक्विवेलेंट बन जाएगा, नॉर्मेलिटी को क्या लिख दिया, मोलर मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो ये फॉर्मूला बन गया। और मास बाय इक्विवेलेंट मास है, इसको सोच के करेंगे थोड़ा सा कैसे किया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000, मास इक्विवेलेंट मास को क्या लिखते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर ऊपर आ गया, मास बाय मोलर मास क्या होगा, नंबर मोल्स, तो नंबर मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू 1000। ये चार फॉर्मूले हैं, यूज करेंगे अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन इजी करने के लिए, है एक ही फॉर्मूला चार में कन्वर्ट किया हुआ इसको, जैसे ध्यान देंगे। से अगर मैं कहता हूं 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, तो इसके मिलीक्विड्स क्या होंगे, ये यूज करेंगे आगे जाकर इसलिए पता होना चाहिए, तो क्या होंगे, मोलरिटी की बने तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, क्या मिलीक्विड हो गए, 0.2 इनटू वॉल्यूम 500 इनटू एन फैक्टर 2, तो कितना आ जाएगा, 1000 ये हो गया, 1000 इनटू 0.2 200 मिलीक्विड्स, समझ आया। ये पहला केस, दूसरा अगर दे रखा है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड अगर हमें दे रखा है से 100 मिलीलीटर ऑफ 0.1 नॉर्मल से Na2SO4, तो Na2SO4 का इन्वर्टर 2 है, लेकिन इसको कोई यूज नहीं होगा क्योंकि इधर मिलीक्विड का फॉर्मला क्या होगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नो नीड टू यूज मिलीक्विड, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 100, तो कितना आ गया 10 मिलीक्विड्स, मिलीक्विड कितना आ गया 10। ऐसे तीसरा केस अगर हमें गिवन है से 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4, 9.8 ग्राम ऑफ H3PO4, तो मिलीक्विड्स क्या होंगे इसमें, मिलीक्विड्स विल बी 9 गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इन 2000, गिवन मास कितना है 9.8, इक्विवेलेंट मास कितना होगा 98 बाय 3 इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा ये 10 से जाएगा, 10 से कैंसिल होगा, 300 मिलीक्विड्स आ जाएंगे, 300 मिलीक्विड्स, समझ गए कि नहीं। एक केस और ले सकते हैं, कौन सा, मास भी ले लिया, अब नंबर मोल्स का केस रह गया, फोर्थ केस क्या है, अगर दे रखा है आपको से
टू मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, इसका आंसर कितना है 2। तो मिलीक्वेंट्स क्या होंगे अब, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू अनफैक्टर इंटू 1000, ये फॉर्मूला लगेगा मोल्स के लिए। तो नंबर मोल्स कितना है 2, अनफैक्टर कितना ऑक्सैलिक एसिड है 2 इंटू 1000, क्या आएगा 4000 मिलीक्वेंट्स। समझ गए इतनी, तो ये इसको चार बार पांच बार लिख के देखना ताकि फॉर्मूले अप्लाई करना सीख जाओ। फॉर्मूले अप्लाई करना नहीं आएंगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी अच्छे क्वेश्चन करने में, स्कूल लेवल पे दिक्कत नहीं आएगी लेकिन बाद में दिक्कत आएगी, तो इससे फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लेना जरूर। मोल्स है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर मोल्स इंटू अनफैक्टर इंटू 1000, नॉर्मलिटी है तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू अनफैक्टर, और अगर मास है तो गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इंटू 1000, इस तरह से मिलकर निकालने हैं, इसका हम आगे जाके अच्छे न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीख लिया नॉर्मलिटी, मोलैरिटी और अनफैक्टर, और एक साथ में टर्म यूज़ की थी मैंने फॉर्मलिटी। मोलैरिटी की यूनिट दी जाती है डीमल एट 0°C, ये बहुत कम यूज होगा, डी से डिनोट करते हैं इसको, अदरवाइज हम मोलैरिटी है तो एम से डिनोट करेंगे लास्ट में, नॉर्मलिटी है तो यूनिट एन से डिनोट करेंगे, मोलैरिटी एम से नॉर्मलिटी एन से। डीमल यूनिट होती है मोलैरिटी की एट 0°C, मोलैरिटी की कैपिटल एम की। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी, तीसरी टर्म, थर्ड टर्म मोलैरिटी स्मॉल एम, मोलैरिटी स्मॉल एम, मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पूरा लिखना आप लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम्स में है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, इन ग्राम्स लिया में, तो क्या आ जाएगा इन टू 1000, यानी मतलब कहने का क्या है कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मास है सॉल्यूट का, 1000 ग्राम के अंदर, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना मास है सॉल्यूट, कितना मोल्स है सॉल्यूट के, सॉरी कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, नंबर मोल्स क्या है सॉल्यूट, हमें सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं, किसमें निकालने हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ये क्या है मोलैरिटी, दिस इज कॉल्ड एज मोलैरिटी, इसे मोलैरिटी बोलते हैं। तो ये थर्ड टर्म थी, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, एक वर्ड में अगर बोले तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी बोलेंगे तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी बोलेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म थी, तीन तरीके थे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के। अब नेक्स्ट जो तरीका है वो है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, सपोज मैंने दो ही कंपोनेंट मिक्स किए हैं, ए और बी, ए और बी, ये दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं और मैंने कहा मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए का, ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो एक्स ए जिसका एक्स से डिनोट करते हैं इसको मोल फ्रैक्शन को, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, तीन होते ए, ए बी सी भी होता तो नंबर मोल्स ऑफ ए ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, एन होते कंपोनेंट्स तो नंबर मोल्स ऑफ ए ऊपर डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी टिल जो भी लास्ट तक है, तो ये आ जाएगा। मैं दो का एग्जांपल लिया ताकि कैलकुलेशन इजी रहे, एक्स ए फिर ऐसी एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, दिस इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर मोल्स ऑफ बी, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्लियर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, ये भूलना नहीं है, ये आगे जाके यूज भी होगा। अगर मेरे को एक्स ए प्लस एक्स बी निकालना है तो क्या आएगा, ये एक्स ए प्लस एक्स बी निकालेंगे तो नीचे भी एलसीएम वगैरह ले लेंगे इसमें, तो एन ए प्लस एन बी आएगा एलसीएम, ऊपर भी क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, सो दिस इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी, ये भूलना नहीं, भूल डिफाइन मोल फ्रैक्शन, बोर्ड में पूछा भी हुआ एक बार, डिफाइन मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग गिवन नंबर ऑफ मोल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन दैट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग गिवन नंबर ऑफ मोल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन। अब ऐसे ही ना एक टर्म होती है मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन क्या होगा, ए और बी दो चीजें मिक्स की हैं और बोला मास फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मास फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसे मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऊपर थे, मास फ्रैक्शन में क्या होगा, मास ऊपर होगा, मास ऑफ ए डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मास फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, तो ये आ जाएगा मास फ्रैक्शन ए का मास फ्रैक्शन बी का, सम ऑफ मास फ्रैक्शन बी इसमें बना जाएगा, क्लियर होगी बात की नहीं है, तो मास फ्रैक्शन इस तरह से निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है इसी के अंदर, अगर मेरे को निकालना है ए और बी मिक्स किए हैं या सॉल्यूट मिक्स किया सॉल्वेंट के अंदर, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट वो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, यही तो होगा, परसेंटेज निकालते हैं ऐसी है, परसेंटेज इसी तरह से निकलता है कि नहीं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200, दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, या वॉल्यूम दे रखा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 200, दिस इज, या फिर इसमें ले तो इन 200 कर दो उसको, ये इसको इन 200 कर देंगे तो मास परसेंटेज आएगी ए की, क्लियर, परसेंटेज ऑफ ए निकालना है अगर हमें इसी के अंदर, परसेंटेज तो क्या इन 200 कर दो, ये परसेंटेज आ जाएगी, क्लियर होगी। अब जैसे पीपीएम निकालना है हमें, पीपीएम सॉल्यूट सॉल्वेंट को सॉल्यूशन को मिक्स किया, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, नाम से भी लग रहा है पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन पार्ट में कितना प्रेजेंट पार्ट प्रेजेंट है, मिलियन पार्ट में कितना प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन पार्ट्स में कितना प्रेजेंट है, तो क्या आ जाएगा, जैसे 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 2 ग्राम प्रेजेंट है, 100 ग्राम में 2 ग्राम है तो पीपीएम क्या होगा, 100 ग्राम में 2 ग्राम तो 10^6 यानी 1 मिलियन में कितना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सेम यही फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, या वॉल्यूम की बना तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6, और पीपीबी होगा तो, पीपीबी होगा तो क्या करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन 10^9, पीपीटी ट्रिलियन 10^12, तो ये फॉर्मूलेज हैं इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला एक टर्म नोट करेंगे, आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक स्ट्रेंथ हाफ इंटू समेशन ऑफ एम आई जेड आई स्क्वायर, हाफ इंटू समेशन ऑफ एम आई जेड आई स्क्वायर, ये जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ उसमें, सपोज 0.1 मोलल NaCl है और प्लस 0.2 मोलल आयनिक स्ट्रेंथ, आयंस की स्ट्रेंथ, आयंस का पोटेंशियल 0.2 मोलल MgCl2 है, इसको मिक्स किया और बोला कि आयनिक स्ट्रेंथ निकालो, आयनिक स्ट्रेंथ निकालो, ये बोर्ड के लिए नहीं है ध्यान रखना चीज़ का, बोर्ड लेवल पर नहीं पूछेंगे, 0.1 मोलल 0.2 मोलल MgCl2, हमें क्या निकालना, आयनिक स्ट्रेंथ, तो पहले मोलैलिटी, ये M क्या है मोलैलिटी, Z क्या है चार्ज ऑन आयंस, Z क्या है चार्ज ऑन द आयंस, तो Na प्लस क्या होगा, Na प्लस की मोलैलिटी और चार्ज और Z, यानी मोलैलिटी कितनी इसकी 0.1, चार्ज कितना होगा Na पे प्लस 1 है तो 1, फिर ऐसी दूसरा क्या है Cl माइनस, Cl माइनस इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, Cl माइनस इधर कितना है 0.1, 0.1 है ना एक ही है, और 0.2 इधर है और ये कितने थे दो थे तो 0.4, 0.1 यहाँ पे और 0.2 इंटू 2 0.4 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा Cl माइनस 0.5, और चार्ज कितना होगा Cl माइनस पे Na प्लस था चार्ज 1, Cl माइनस पे भी चार्ज 1, अब बचा Mg2+, Mg2+ कितना है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कितना Mg2+ 0.2, एक ही है ना 1 इंटू 0.2 आ गया, और चार्ज कितना Mg2+ पे 2+, तो 2 आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लेना है इसका बस, अब तो फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 0.1, पहले एन ए लिया अगर 0.1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये इस तरह से निकल जाएगा, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे इसकी, ईजी कैलकुलेशन है बिल्कुल, 0.1 प्लस 0.5 0.6 0.6 और यहाँ पे 4 इंटू 0.8 0.8 यानी 1.4 आ गया, 0.6 प्लस 0.8 1.4 ये आ गया, 1.4 बाय 2 0.7 आ जाएगा आंसर सीधा, एक बार चेक कर लेंगे कैलकुलेशन दोबारा, दिस इज कॉल्ड एज आयनिक स्ट्रेंथ, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज आयनिक स्ट्रेंथ, तो ये आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगी यहाँ से 0.7, और यूनिट वाइज सेम मोलैलिटी आ जाएगी, आयंस की स्ट्रेंथ कर जाएगी, तो आयनिक स्ट्रेंथ है, ये बोर्ड में नहीं आएगा, ये कई बार ऑब्जेक्टिव से पूछते हैं क्वेश्चन तो इसलिए बता दिए, दिस इज कॉल्ड एज आयनिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, अब इसमें टर्म्स तो हमने क्लियर कर लिए हैं, अब जैसे पीपीएम को भी क्लियर करना है, सपोज हमारे पास 100 ग्राम टूथपेस्ट है, 100 ग्राम टूथपेस्ट के अंदर सपोज वी हैव 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन, 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन है, पीपीएम में निकालना है इसका, इसका पीपीएम क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स पीपीएम, तो क्या रखेंगे 100 ग्राम के अंदर टूथपेस्ट के अंदर 100 ग्राम टूथपेस्ट में 100 ग्राम टूथपेस्ट में क्या है 0.2 ग्राम क्या है फ्लोराइड आयन F माइनस, 100 ग्राम टूथपेस्ट है 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन है, तो 10 की पावर 6 ग्राम में कितने होंगे 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू 10^6, वही तो फॉर्मूला बन गया सीधा, ये सेम फॉर्मूला बन गया, ये 10^4 आ गया यानी 2 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा पीपीएम, 2000 पीपीएम, ये सर कंसंट्रेशन होगा फ्लोराइड आयन का, फॉर्मूला से करना है
तो ppm का फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कितना है 0.2 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है पूरा 100 ग्राम इंटू 10^6, सेम चीज़ आ गई बिल्कुल ये, तो 2000 ppm आ जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। कंसेप्ट से याद रखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्ट्स पर मिलियन, यानी मिलियन पार्ट्स में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये है हमारा ppm। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म सीख लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी और जो कंसंट्रेशन है हम किसको प्रेफर करते हैं, विच इज़ प्रेफर्ड वाइल मेजरिंग कंसंट्रेशन, विच इज़ प्रेफर्ड आउट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, ये पांच कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं, इनमें से हम किसको प्रेफर करते हैं वाइल मेजरिंग कंसंट्रेशन। तो इसका आंसर आएगा कि हम मोलैरिटी को प्रेफर करते हैं, मोलैरिटी इज प्रेफर्ड या मोल फ्रैक्शन इज प्रेफर्ड या मास फ्रैक्शन इज प्रेफर्ड, दीज थ्री जिसको मैं सरल कर रहा हूँ इन तीनों को प्रेफर करते हैं ओवर नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। क्यों प्रेफर करते हैं इसको, वाई, एक वर्ड में क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी, मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी वाइल मेजरिंग कंसंट्रेशन वाई, तो इसका क्या आंसर आएगा, मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी वाइल मेजरिंग कंसंट्रेशन। देखो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसमें वॉल्यूम आ रहा था नीचे, उसमें इट इज इनवर्सिबल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलैरिटी जो है इसमें क्या आया था, ऊपर भी मास, ऊपर भी मोल्स, नीचे भी मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे भी मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000। इसका पूरा फॉर्मूला लिखते हैं अगर हम, तो ऊपर मोल्स इन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इन 2000, तो इसमें वॉल्यूम आ गया कि नहीं, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर, मान लो टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो टेम्परेचर जो है किसको चेंज करेगा, वॉल्यूम को चेंज करेगा, मास पे तो कोई खास इफेक्ट होता नहीं इसका, तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है जिससे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इट विल डिक्रीज, ये ध्यान रखना है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा इससे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डिक्रीज करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोलैरिटी हो, मास फ्रैक्शन हो या मोल फ्रैक्शन हो, इन सब में क्या आ रहा है, मास आ रहा है, मास पे टेम्परेचर का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, तो ये इंपॉर्टेंट आंसर है इसका, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में पूछते हैं, तो क्या बोलेंगे, सिंस मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन इन्वॉल्व्स मासेस ऑन विच टेम्परेचर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ऑन विच टेम्परेचर हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, बट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, बट मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम विच इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी डिक्रीज, सो मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है, इन सब में मास है, मास पे टेम्परेचर इफेक्ट कम होता है या नहीं होता है, लेकिन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के अंदर वॉल्यूम है जिस जो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं किसको, मोलैरिटी को ओवर मोलैरिटी, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 4 ग्राम NaOH is dissolved in 100 grams of water with solution having density equal to 1.1 gram per centimeter cube, calculate molarity, normality, molality, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, और ppm निकालना, तो ppm भी। तो ये क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, डायरेक्ट टर्म ढंग से होती है कि क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूशन है, तो उसके बेसिस पे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, उसके बेसिस पे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं, और इस क्वेश्चन को चलो एक बार जल्दी से ट्राई करते हैं। तो जैसे 4 ग्राम NaOH है, सपोज 4 ग्राम क्या है NaOH, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 4 ग्राम, मास ऑफ किसमें डाल गया 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना हो गया 100 ग्राम, अब मास दोनों को ऐड करके तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 100, ये 4, ये तो 104 ग्राम, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया ना 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो सॉल्यूट कितना हो गया 4 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो गया 100 ग्राम, टोटल ऐड करेंगे 104 ग्राम आ गया। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन निकल सकता है कैसे, मास बाय डेंसिटी, मास कितना है 104, डेंसिटी कितनी है 1.1, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम सॉल्यूशन आ गया, अब जो भी टर्म निकालनी है सारी निकल जाएंगे यहाँ से,
फॉर्मूला खुद चेक करेंगे, मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट। मोलरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले फॉर्मूला लिखें, स्कूल में आता है पहले फॉर्मूला लिखेंगे जरूर। चलिए एक बार देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब इन 2000। पूरा लिखना आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 4 डिवाइड बाय मोलर मास एन एच का 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 104 बाय 1.1 इन 2000। क्लियर? तो ये आ गया हमारा मोलरिटी। और नॉर्मलिटी सेम होगी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि एन फैक्टर एन ए उसका कितना है? 1। एन ए प्लस और ओएच नेगेटिव, एन फैक्टर कितना आएगा? 1। नॉर्मलिटी एन ए प्लस और ओ चांस, एक ही ओ चांस आ रहे हैं ना, बेस है ये, एक ही ओ चांस आ रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना होगा इसका? 1। तो नॉर्मलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन 2000। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होंगे? 4 अपॉन में, इसको थोड़ा रफ करके लिखना पड़ेगा, या तो यही चीज़ होगी सेम बिल्कुल, 40 बाय 1 कर देंगे बस इसको, ऊपर जो लिखा ना सेम चीज़ थी बिल्कुल बिल्कुल, 40 बाय 1 कर देंगे। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, तो 4 अपॉन में 40, इक्विवेलेंट वेट आता है मास बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या होते हैं? मास बाय इक्विवेलेंट वेट, 4 अपॉन में 40 बाय 1। ये आ गया ना इक्विवेलेंट वेट, 1 क्यों लिया? क्योंकि एन ए प्लस और ओ एच नेगेटिव ऐसे रूटेगा। एन फैक्टर कितना है? 1। टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज से भी निकाल सकते हैं एन फैक्टर। और इनटू वॉल्यूम कितना है? 100 बाय 104 बाय 1.1 इन 2000। तो नॉर्मलिटी आएगी, और डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? मोलरिटी इनटू एन वेक्टर, एन वेक्टर कितना है का? 1। तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी इक्वल आएंगे इस केस में, और अभी इक्वल रहे, नॉर्मलिटी मोलरिटी दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्या निकालना है इसके अंदर? दो टर्म निकाल दी मैंने, तीसरा है। इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब न्यूमेरिकल्स करें तो क्लियर हो जाए ज़्यादा। फिर नेक्स्ट निकालना है हमें मोलरिटी। मोलरिटी क्या होगा? अगेन 4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन 2000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 4 अपॉन में 40। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 इन 2000। ये तो डायरेक्ट ही आ गया आंसर, कितना आ गया आंसर सीधा? 1 आ गया, 1 मोलर। 4000 नीचे भी 4000, तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 1 मोलर। मोलरिटी आ गई। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ एन ए एच, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए एच ऊपर आएगा बाय नंबर मोल्स ऑफ एन ए एच नीचे प्लस नंबर मोल्स ऑफ एच टू ओ। तो नंबर मोल्स ऑफ एन ए एच कितने हैं? 4 बाय 40, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 4 बाय 40 प्लस 100 बाय 18। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 4 बाय 40 इसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एन ए एच और मोल्स ऑफ वाटर, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे? मास ऊपर आ जाएगा बस, सिर्फ मास फ्रैक्शन निकालना। अगर मास फ्रैक्शन ऑफ एन ए एच, मास फ्रैक्शन ऑफ एन ए एच क्या होगा? मास ऑफ एन ए एच बाय मास ऑफ एन ए एच प्लस मास ऑफ एच टू ओ। मास ऑफ एन ए एच कितना है? 4। मास ऑफ एन ए एच कितना है? 4 बाय 100। तो 4 बाय 100 4 आ गया, 4 बाय 100 4 आ जाएगा। और परसेंटेज निकालनी होती है तो क्या करते हैं? इन 200। अगर परसेंटेज निकालनी होती है एन ए एच की तो क्या करते हैं? इन 200 कर देंगे, तो 100 के अंदर आ जाएगा। परसेंटेज मतलब 100 के अंदर कितना है, परसेंटेज मतलब क्या होगा? 100 के अंदर कितना है ये। और पीपीएम निकालना है तो इन 2×10⁶ सेम चीज़ आएगी बिल्कुल, इन 2×10⁶ कर देंगे। पीपीएम क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इन 2×10⁶। 10^6 में कितना है? यूनिटरी मेथड लगाएंगे उससे भी हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 4। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 104 इन 2×10⁶। तो ये पीपी हो जाए। पीपीबी निकालना होता तो 10:9, पीपीटी निकालना तो 10:12। इस तरह से करेंगे न्यूमेरिकल्स ये। तो नेक्स्ट टाइम हम इसी ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इनको जो मैंने बताया फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, तो ही नेक्स्ट लेक्चर समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तो समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर कुछ भी। तो करना इसको ट्राई खुद 3-4 बार कर लेना, फिर जाके समझ आएगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से बहुत ही, तो ये कर लेना, इनसे 2-2 बार न्यूमेरिकल रिपीट कर लेना, फॉर्मूले 5-5 टाइम लिख लेना सारे। ओके, थैंक्स।